ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିରାଶ। ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। गुरुवार दिन एडिलेड ओभाल ग्राउंड रे इंग्लैंड टीम इंडिया को 10 विकेट रे परास्त करिछि। जेउठी पराजय परे भारतीय दल टी20 विश्वकप 2022 रु बाद पड़िछि। वास्तव में भारतीय दल पराजय परे रोहित शर्मा को अधिनायकत्व समेत अन्य खिलाड़ी को प्रदर्शन उपरे प्रश्न उठिछि। वीरेंद्र सहवाग को परे पूर्वतन भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा को अधिनायकत्व उपरे प्रश्न करिछन्ति। वर्तमान पूर्वतन भेटरान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारतीय दल पराजय को एक बड़ा विवृति देछन्ति। सचिन तेंदुलकर ट्वीट करी अधिनायक रोहित शर्मा एवं भारतीय दल को रक्षा करिसेंति। वास्तव में से निज ट्वीट रे लिखिसेंति जे गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व अछि, सेही बळी जीवनर मध्य दुईटी पार्श्व रहिछि। से आउरी मध्य लिखिसेंति जे जेपरी आमे आम दल रे विजय उत्सव पालन करू, सेहीपरी भाबरे आमे मध्य पराजय को ग्रहण करबा उचित। वास्तव में सचिन तेंदुलकर कहि ट्वीट सेही समय रे आसिछि जेतेबेले प्रशंसकक समेत पूर्वतन क्रिकेटर माने रोहित शर्मा को अधिनायकत्व उपरे क्रमागत प्रस्तुत उठाइसेंति। इंग्लैंड भांगी देला टीम इंडिया रो स्वप्न। उल्लेखनीय कथा हेउछि जे इंग्लैंड विपक्ष रे भारतीय दल को 10 विकेट रे एक लज्जाजनक पराजय रो सम्मुखीन हेबाको पड़िछि। टॉस हारिबा परे प्रथम बैटिंग करी टीम इंडिया कड़ी ओवर रे 6 विकेट पाई 168 रन संग्रह करितला। विराट कोहली एवं हार्दिक पांड्या भारतीय दल पाई अर्धशतक खेलथिले। एपर जितबा पाई इंग्लैंड को 169 रन रो आवश्यक थिला। 16 ओवर रे बिना कोनोसे विकेट हराई इंग्लैंड 170 रन स्कोर करी मैच जितितला।